हेलो दोस्तों, एचडी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर प्रभात कुमार लाया हूँ आपके लिए रेलवे के 35 ईयर्स के जितने भी सब्जेक्ट से पूछे गए क्वेश्चंस हैं सबका कलेक्शन। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया से लाइक, दोस्तों में शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। किस पुस्तक के अंत में लिखा है, मरते बिस्मिल रोशन लहरी अशफाक अत्याचार से होंगे पैदा सैकड़ों, इनके रुधिर पंडित श्याम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा निज जीवन की एक छठा में। पंजाब के जालंधर जिले के किस गांव को नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स कहा जाता है। संसारपुर। यूरोक्रोम किस प्रकार बनता है, हीमोग्लोबिन के विखंडन से। मनुष्य के मस्तिष्क अस्थियों के किस खोल में बंद रहता है, क्रेनियम में। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया, 1987 ईस्वी में। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। नगर निगम की सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं, महापौर। 1769-70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा, बंगाल। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था, 1622 ईस्वी में। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 का सम्मत था, भारत विभाजन से संबंधित है। सड़क बनाने में किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है, कोलतार का। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनके वायु मिश्रण का इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले हो जाता है, जिसे ऊष्मापूर्णता कार्य में परिवर्तित न होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करके नष्ट हो जाती है। यह धात्विक ध्वनि का क्या कहलाती है, अपस्फोटन, नॉकिंग। युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र था हिंदू कॉलेज कलकत्ता। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया, गुरु गोविंद सिंह ने, 1699 ईस्वी में। श्रेष्ठ बाजार का अर्थ है सरकारी प्रतिभूतियों का भारत के संचित कोष के धन की निकासी किसकी अनुमति से ही संभव होती है, संसद की अनुमति से। हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे, कार्ल रिटर। किस भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिमी कार्टर को। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है, तैराकी, स्विमिंग से। वरचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी, जल थल में इन चांदनी बिछी हुई थी। अवनी और अंबर तल में यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है, मैथिली शरण गुप्त की कविता में। आषाढ़ का एक दिन नाटक के नाटककार हैं मोहन राकेश। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी से होता है, जस्ता। संघ आर्थ्रोपोडा के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं, तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी आदि। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी, 14। किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं, माना दर्रा से। अंटार्कटिका पर भारत का प्रथम अस्थायी केंद्र कौन सा था, दक्षिण गंगोत्री। समुद्री नियमों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन कब हुआ, 1982 में। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है, नाथुला एवं जयलेपला। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है, गृह मंत्रालय के अधीन। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ, औरंगजेब के साथ। चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी, कनिष्क के संरक्षण में। एक देश के लिए स्वराज्य परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज्य इनके विकल्प नहीं हो सकते, यह कथन किसका है, लाला लाजपत राय। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास किसने किया था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाका ने। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाएं, खलीफा।
भविष्य में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए गए किसी वस्तु के भंडार को क्या कहते हैं? वाटर स्टॉक क्या होता है? वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसका भुगतान करता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। टिन की अधिक मात्रा मुक्त कांसे को क्या कहते हैं? श्वेत कांसा। जिंक फॉक्साइड का उपयोग किस रूप में होता है? चूहा विष। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। भारत सरकार की स्वामित्व में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सितंबर 1964 ईस्वी में। भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कारगिल सेंटर को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए सेना तथा वायुसेना की संयुक्त कार्रवाई को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन विजय। भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके अपना पद ग्रहण करते हैं? प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति। ऑक्सीजन की खोज सन 1972-74 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने की? सीले और प्रिस्टले। जिब्रेलिन्स की खोज 1926 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने की? कुरोसावा ने। प्रत्येक सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? मुख्यमंत्री और राज्यपाल। किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। प्राकृतिक यूरेनियम 235 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 0.7%। टिटनेस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका एवं मांसपेशियां। महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। इस्लाम में खलीफा पद कब तक रहा? खलीफा पद को किस शासक ने समाप्त किया? तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद मिलाद उल नबी। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? प्रोफेसर राजकृष्णा ने। इफ्को क्या है? भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। किस उपकरण की सहायता से दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है? टेलेक्स। दचिग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? वन लगाने एवं प्रतिभूमि के विकास के क्षेत्र में। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के रचयिता हैं भास्कराचार्य। यक्षगान लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। संविधान को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? शून्य वर्ग में। मक्के का बौना होना होता है स्पाइरो प्लाज्मा द्वारा। हीराकुंड योजना किस राज्य में है? उड़ीसा में। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? 49 समांतर रेखा। कौन सी इनर्ट गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? आर्गन। कल्पकम एटामिंग पावर प्लांट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? थोरियम का। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। एलोरा के कैलाश मंदिर निर्माण किस वंश राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम ने। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो तथा भारत के विभाजन की घोषणा की? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निकाला था? सर जॉन चाइल्ड को। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? 1949 में। मत्स्य पतन कौन सा बंदरगाह कहलाता है? तूतीकोरिन। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? मंदक। मॉडरेटर के रूप में। लेसर बीम की सहायता से त्रिविमीय 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? हेलोग्राफी।
राष्ट्रपति भवन की रूपरेखा तथा डिजाइन किस प्रसिद्ध वास्तुकार द्वारा तैयार की गई? लैंडसियर लुटियंस द्वारा। भारत के किस शहर में 4-स्टार श्रेणी का प्रथम तैरता हुआ फ्लोटिंग होटल निर्मित हुआ है? कोलकाता में। 1928 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? मुद्रा रक्षक, लेखक विशाख दत्त में। ऊंचे स्थानों पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। पीतल मिश्र धातु है। जस्ता और तांबा की चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? विवेक का प्रयोग करके अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को जो आवश्यक बहुमत जुटा सके। दो स्थानों के देशांतर अंतर होता है 4 मिनट। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अग्नेय चट्टानों में। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? वेल्लोर में 1806 में। लॉर्ड डलहौजी का कौन सा एकमात्र प्रशासनिक कदम था जिसका 1857 के विद्रोह में विस्फोट में सर्वाधिक योगदान रहा? व्यप्त का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से का अंधाधुन क्रियान्वयन। ईसा मसीह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? जेरूसलम के निकट बेथलेहम में। अमोनिया सल्फेट का प्रयोग किस प्रकार की भूमि में किया जा सकता है? चूना रहित भूमि में। नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कैल्शियम नाइट्रेट। कौन कौन से हैं? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट आदि। महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण किस राजवंश शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश के शासकों ने। बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया था? राजा जॉर्ज पंचम ने लॉर्ड द्वितीय के समय में। भारत का विशुद्ध रूप से स्वतंत्र प्रभार के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम वेंटिक। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? कैलाश मंदिर। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित एक गहरा बंदरगाह है? उड़ीसा। देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह और देश का प्रथम पब्लिक कंपनी बंदरगाह कौन सा है? एन्नोर। पानी का भारी बोतल में सबसे अधिक दाब कहाँ होगा? प्लावन बल से। शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मोरेगुलेशन कहलाती है। इस क्रिया को कौन सा अंग करता है? किडनी। एलिस चरित्र किस लेखक की सृष्टि है? लुइस कैरोल की। किसकी समाधि शक्ति स्थल कहलाती है? श्रीमती इंदिरा गांधी की। क्लियोपेट्रा किस देश की महारानी थी? मिस्र की। कोर्सिका द्वीप संबंधित है। नेपोलियन बोनापार्ट से पोलियो वायरस कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। चिकनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत क्या है? मनुष्य। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? पनामा नहर। भारत में तेंदु कौन सा है? मध्य प्रदेश। कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानसभा है? उनके नाम क्या है? ताज कुंभ। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश। ताज कुंभ इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई? गुजरात में। पेंच कार्ड का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? जोसेफ मैरी। डाटा प्रोसेसिंग का कार्य क्या कहलाता है? कंप्यूटिंग। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक कौन था? जनरल बख्त खां। किसान मूल्य योगदान के लिए किसे किसान प्राण की उपाधि से सम्मानित किया गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती को।
किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? लुम्बनी। शिवाजी के पिता शाह जी भोसले मूलतः किसी राज्य की राजसेवा में थे? बीजापुर। लाल बहादुर शास्त्री तटवर्ती अनुसंधान एवं उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई। नैस्डेक। नैस्डेक क्या है? अमेरिका का शेयर बाजार। भारत में किस रंग की तरंग प्रकाश के किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? लाल। ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप से हार्मोन का श्रवण करती है? थायराइड ग्लैंड। तीस्ता ली डैम परियोजना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी किस नोबेल पुरस्कार विजेता का वास्तविक नाम तेंजिंग ग्यात्सो है? दलाई लामा का। कालिदास की कौन सी कृति युद्ध देवता स्कंद के जन्म से संबंधित है? कुमार संभव। त्रिवेणी CS-56 एक नई विकसित प्रजाति जिसे CS-2342 के नाम से पहचानित किया जाता है किस फसल की प्रजाति है? राई, राया, लाहा अर्थात इंडियन मस्टर्ड। नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग को उल्लेख किया गया है? पार्ट टू में। काली मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की। आईकैम। साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ है? कोलकाता में। लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? सिलिका एवं आयरन की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया? ब्रिटिश संसद में। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? हमीद कलंदर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय में पारित हुआ? 1878 लॉर्ड लिटन के समय में। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किसने सत्याग्रह सभा गठित की जिसके सदस्यों को रॉलेट एक्ट की अवहेलना करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी थी? महात्मा गांधी। दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।